हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुलाब का पौधा। दोस्तों, हमारे गुलाब के पौधे जब फूल छोटे देने लगते हैं या फूल किसी तरह का इस पर फंगीसाइड लगने लगती है या किसी तरह का इस पे कीड़े अटैक करते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों, हम लोग गुलाब का पौधा लगाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि इसके फूल इस तरह से इनकी कलियां बनती है, पर ये खिल नहीं सकते, और ये कलियां बनते के साथ ही इनके पत्ते सिकुड़ जाती हैं और इनकी कलियां भी ख़राब होने लगती है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे गुलाब का पौधे और गुलाब का फूल किस तरह से हमारा ख़राब हो रहा है। तो इससे आपको करना क्या है, और भी हम दिखाते हैं कलियाँ, कितने सारे हमारे कलियाँ बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे कलियाँ कैसे ख़राब हो रही है, और इनकी पत्ते में, रूट में भी जो है वो किसी तरह का पत्ते सिकुड़ रहे हैं और पत्ती भी ख़राब हो रही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारे गुलाब का पौधा है, इसमें बहुत सारे कीड़े अटैक आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से हमारे फंगीसाइड लगी हुई है। तो आपको इसमें सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले इस टहनी को आपको काट कर निकाल देना है। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेती हूँ, और आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े अटैक आए हैं, जो मैं आपको अपनी वीडियो पर दिखा रही हूँ। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसके नीचे से लेकर आप इसके पूरे टहनिये में एकदम अटैक आई है। तो ये पौधे ना तो फूल दे रही है और ना ही इसमें एक भी कलियाँ लग पा रही है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको फेंक देना है, क्योंकि ये बहुत सारे पत्ते पर भी अटैक आई हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अटैक किस तरह से आई है, और इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो इसको हम मैंने फेंक दिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि, और भी मैं दिखाती हूँ कि इस प्लांट्स को देख सकते हैं कि इनके गुलाब का प्लांट्स जो खिले हैं वो अच्छे बड़े साइज़ में खिले थे, लेकिन गर्मी शुरू होने से पहले इस पर कुछ ऐसे अटैक आने लगी है। जैसे कि हम आपको और भी पत्ते दिखा सकती हूँ कि इस तरह से इनके अटैक आ रही है। तो हमें इसमें क्या क्या विटामिन्स की ज़रूरत है या इनके छिड़काव की ज़रूरत है, तो हम आपको छिड़काव करने के लिए भी बताऊँगी, और इन पर विटामिन्स डालने के लिए भी मैं आपको जानकारी दूँगी। और इसमें नए नए शकर ब्रांच भी आ रही है, तो इस शकर ब्रांच को भी आपको कैसे दूर करना है, क्योंकि इस गुलाब के प्लांट्स में बहुत ही अधिक मात्रे में अटैक आ रही है। किस तरह से देख सकते हैं कि ये जगह जगह में फंगीसाइड को अधिक अटैक आ रही है। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इसमें खाद डालकर, उसके बाद हम आपको दिखाऊंगी छिड़काव कर कर कि आपको किस तरह से छिड़काव करना है, तो आपका गुलाब का पौधा किस साइज से आपके बड़े देंगे। क्योंकि इस प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब का कलियां बनी हुई है, पर एक भी हमारा गुलाब का फूल नहीं खिल पा रही है। ये यहाँ कलियां बनते ही ये सिकुड़ जा रही था, और हमारे गुलाब का पौधा जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे खिल रहे हैं। दोस्तों, इसको तो विटामिन्स का आवश्यकता है, और इसमें आपको डालना ही पड़ेगा ताकि ये पौधे और गुलाब का फूल अच्छी तरह से खिल सके। तो चलिए हम आपको, तो दोस्तों हम आपको पहले बताते हैं कि आपको कुछ भी ऐसा चीज़ ले ले, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं गोबर की खाद। यदि गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो बर्मी कंपोस्ट ले ले, अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप लिप कंपोस्ट ले ले, वो भी आपको अच्छी काम करती है। तो इसमें आपको लेना क्या है, पहला चीज़ हम आपको दिखाए हैं, दूसरी चीज़ ये हमारा है पोटास, तो इसको आपको इसमें डाल लेना है। उसके बाद तीसरी हमारा क्या है, तो हम आपको DAP, तो आपको ये 5 से 6 दाना लेना है, सिर्फ एक पौधे के लिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद आपको चौथी चीज़ क्या लेना है, ये हमारे हैं सरसों का खल्ली, इसे भी आपको थोड़ा सा ले लेना है, आप चुटकी भर ले ले एक प्लांट्स के लिए। उसके बाद आपको एक खाद और लेना है, वो बहुत ही अच्छी खाद है, जिसे हम लोग बोलते हैं NPK। NPK खाद ये हमारे हैं NPK 90 90 90, ये मार्केट में अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाती है। और ये देख सकते हैं कि हमारे 90 90 90 जो है वो आपको फ्रूट से या फल या सब्जियों वाले प्लांट्स पर भी ये काम करती है। तो हम इसको यूज ले रहे हैं, तो आपको लेना क्या है, कितना है, तो आपको यहाँ पर लेना है कम से कम एक पौधे में 2 2 ग्राम, जैसे कि चुटकी भर।
तो इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा ले ली है। अब आपको करना इसको क्या है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप यहाँ पर मिला ले ताकि ये अच्छी तरह से गोबर खाद में मिल जाए। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं प्लांट्स पर डालकर, तो आपको प्लांट्स पर किस तरह से डालना है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए, हमारी जड़ के नीचे से ही फंगीसाइड लगी हुई है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से छोटे छोटे जो कीड़े लगे हुए हैं प्लांट्स, उसको आपको कटिंग कर लेना है ताकि ये साफा हो जाए। और आपको जब मिट्टी में हम इस पर डालूँगे तो आपको कोई भी ऐसा कीड़ा अटैक नहीं आएगी, क्योंकि गर्मी का मंथ चल रही है, इसकी वजह से प्लांट्स पर जगह जगह पर अच्छी अच्छी चींटियाँ ये घर बना लेती है, और घर बनाने की वजह से ये पौधे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ फंगीसाइड लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ फंगीसाइड किस तरह से अटैक आई हुआ, और बहुत ही अधिक मात्रा में ये अटैक आई है। तो सबसे पहले इसको, तो दोस्तों देखिए ये हमारी मिट्टियाँ में कितनी सारी चींटियाँ लगी हुई है, तो इस तरह से हमारी पौधे को ये बिल्कुल बढ़ने से रोकी हुई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गुड़ाई कर देना चाहिए, तो सब मिट्टी को मैंने गुड़ाई कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हम इसमें खाद डाल सके और ये अच्छी तरह से पौधे को प्रोटीन पहुँचा सके, क्योंकि प्रोटीन का बहुत ही ज़रूरी हो जाती है पौधे पर डालना, और इस पर अटैक भी आती है तो उसको भी ये रक्षा करती है, मरने से भी बचाती है। तो इस तरह से देखिए हम मैंने यहाँ पर ही तो कोड़ दी है। अब आपको हल्की हल्की मिट्टी जड़ से साइड कर ले, और साइड करने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ये हमारी जो है मैंने बनाई हूँ, इस तरह से खाद को यहाँ पर आप चारों तरफ डाल दें ताकि ये प्लांट्स की मिट्टियाँ भी इस पर अटैक ना करे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है। अब आपको इस तरह से अगर मिट्टी भुरभुरी है तो आप इसमें हल्के पानी डालें, ताकि ये पानी डालने से क्या होगा, जो भी मैंने इसमें प्रोटीन या विटामिन्स का यूज की है वो अच्छी तरह से मिट्टी में घुल मिलकर ये पौधे तक पहुँचा सके। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से मिट्टी को ऊँचा कर कर बना दी है। अब मैं आपको छिड़काव करने के बारे में बताती हूँ कि आप प्लांट्स पर किस तरह से छिड़काव करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर हाफ लीटर पानी ले ली है, क्योंकि जब हमारे प्लांट्स में इस तरह से पौधे जब बड़े होते हैं और फूल नहीं खिल पाते हैं तो आपको करना क्या होगा कि छिड़काव के लिए हम आपको बताने जा रहे थे, तो आपको किसी तरह से यदि आप पौधे पर नहीं यूज करते हैं इस चीज़ को, तो ये फूल ना तो खिलने पाएगी और ना ही ये बढ़ पाएगी दोस्तों। तो आपको करना क्या है, ये हमारा विम बार, जैसे कि किसी भी जैसे कि आप शैम्पू हो या विम बार हो या किसी तरह का शैम्पू भी आप यूज कर सकते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमारा पानी, ये पानी को आपको लेना है, एक लीटर पानी ले ली, उसमें आपको एक लीटर पानी ले ली, उसमें आपको शैम्पू को डालना है। तो जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इस तरह से हम शैम्पू को इसमें डाल दिए हैं, और ये हमारा सुसुम गर्म पानी है। इस तरह से हमारी चींटियाँ अटैक आती है पौधे पर प्लांट्स पर, तो हमें इसको अब स्प्रे कर कर आपको हटाना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, और ये पौधे को बढ़ने से भी अच्छा दिखेगी और पौधे को हेल्दी भी बनाती है। तो इस तरह से हमारे प्लांट्स को आपको हेल्दी बनाना है, क्योंकि ये प्लांट्स हमारे जो हैं बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और हो रहे भी हैं। तो देखिए इनके पत्ते भी ख़राब हो रहे हैं, तो आपको इस तरह से आपको छिड़काव करनी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं छिड़काव कर कर कि कैसे आपको छिड़काव करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे फेन फेन जैसा यहाँ पर ही मैं यहाँ पर जो डाली हूँ इसमें लिक्विड, वो बहुत ही अच्छे काम करती है। तो देखिए ये पत्ती पर जब जाएगी तो इसका पत्ता बिल्कुल स्वच्छ नज़र आएगी, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इसमें एक दो पत्ते भी इस तरह से हमारे स्वच्छ पत्ते हैं, इसमें ना तो एक कीड़े लगे हुए हैं और ना ही एक भी इसमें फंगीसाइड पकड़ी हुई है। तो इसको हमें समय से इस पर डालने से क्या होगा कि इस प्लांट्स को बचाव हो जाएगी, और ये फूल इनके फूल जो हैं वो इस तरह से नहीं खिल पा रहे हैं दोस्तों, तो ये स्वच्छ होकर ये खिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ का ध्यान आपको रखना ही होगा, और नहीं तो इस प्लांट्स पर फंगीसाइड जैसे कि अटैक आती है उस तरह से ये प्लांट्स ख़राब हो जाएगी और ये ना तो फूल दे पाएगी और ना ही इसकी कलियाँ बन पाएगी।
जाएगी। तो कलियां बनते ही ये काले पड़ जाते हैं। तो कलियां पर काले क्यों पड़ते हैं, तो इसके यही रूट की वजह से ये कलियां पर काले बन जाते हैं और लास्ट में ये कलियां सूखकर इस तरह से ये झड़ जाती है और ना फूल खिल पाती है और ना ही इसका कलियां बना पाती है। तो इसे हमें ध्यान रखना होगा, इसकी रूट पर विटामिन्स का, इसके छिड़काव का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको हम अपनी वीडियो पर बताई हूँ, तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।